दोस्तों आज फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बॉलीवुड न्यूज का एक और जबरदस्त एपिसोड, जिसके अंदर हम 6 मेजर न्यूज को कवर करेंगे। और इन न्यूज को जानने के बाद डेफिनेटली आप जितने भी सिनेमा जगत में जो भी कुछ चल रहा होगा उससे आप पूरी तरह से अपडेट हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं नोनी जैन और मैं राहुल जैन, नमोकार सिनेमा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सबसे पहली न्यूज है एक वेब सीरीज की तरफ से, जिसका नाम है फ्लैश, जो की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कंसेप्ट पर बेस्ड है। वैसे इस टाइप की और भी पहले बहुत सारी मूवीज एंड वेब सीरीज बन चुकी है, लेकिन इसकी खास बात ये होने वाली है कि ये उसी राइटर ने लिखी है जिन्होंने अंधाधुन जैसी सक्सेसफुल मूवी को लिखा था। गाइस इसमें स्वरा भास्कर लीड एक्ट्रेस के तौर पर आपको नजर आने वाली है। ये 21 अगस्त को इरोज नाउ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। सेकंड न्यूज पर दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, कल रात एक मूवी रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम था कारगिल गर्ल, और आपको पता ही होगा कि जानवी कपूर इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई है हमें। गुंजन सक्सेना का उन्होंने किरदार निभाया है, जो फर्स्ट लेडी पायलट थी हमारे देश की, और ये फिल्म एक बायोपिक फिल्म है, लेकिन फिर भी इस फिल्म को बहुत ज्यादा हिट रेट फेस करना पड़ रहा है। आप सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं आप देख सकते हैं, इस फिल्म को बहुत ज्यादा डिसलाइक मिल रहा है, नेगेटिव पब्लिसिटी की जा रही है, और इसका रीजन सिर्फ इतना ही क्योंकि जानवी कपूर एक स्टार किड है और नेपोटिज्म की वजह से इस फिल्म को लोग बिना देखे ही डिसलाइक दे रहे हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसका हम बहुत जल्द ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आएंगे, तब आप डिसाइड कीजिएगा कि इस फिल्म में कुछ देखने लायक है भी या नहीं। गाइस इसके साथ नेक्स्ट न्यूज आ रही है सलमान खान की तरफ से, जो कि अपनी नेक्स्ट टाइगर यानी टाइगर सीरीज में बिजी होने वाले हैं, दैट इज टाइगर 3। इसकी शूटिंग फरवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। कहा जा रहा है कि फिल्म नियर अबाउट दिसंबर 2021 तक रिलीज की जाएगी। इस बार भी आप देखेंगे फिल्म में सलमान खान के ऑपोजिट कैटरीना कैफ होंगी, जैसे कि इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स में आपने पहले भी देखा है। बात करें इसकी स्टोरी की तो इस बार टाइगर के सामने चुनौती होगी कि वो अपने देश को बचाए या अपने प्यार को। नेक्स्ट न्यूज पर दोस्तों आप लोगों को एक सैड न्यूज देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि संजय दत्त की एक नई फिल्म आ रही है सड़क 2, जिसे बहुत ज्यादा डिसलाइक मिल रहे हैं, और वो डिसलाइक संजय दत्त की वजह से नहीं है, एक्चुअली वो भट्ट कैंप की फिल्म है, और भट्ट कैंप आप जानते हैं कि जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोला था उनकी डेथ के बाद, तो इस वजह से बहुत सारे लोग उनसे नाराज हैं और उनकी वो नाराजगी उनकी फिल्म पर उतर रही है। लेकिन जो न्यूज हम आपको संजय दत्त से रिलेटेड बताने वाले हैं वो ये है कि उनका लंग कैंसर डिटेक्ट किया गया है। अब आप समझ सकते हैं यार, कैंसर जैसी सीरियस बीमारी संजय दत्त को भी हो गई है, और उनकी मदर को भी थी नरगिस को, और इसी वजह से उनकी डेथ भी हुई थी। लेकिन यहाँ पर तो हम सभी लोग ये चाहते हैं, क्योंकि सब वेल विशर है, संजय दत्त को बहुत पसंद करते हैं लोग, तो हम तो चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो, लेकिन फिलहाल वो फिल्मों से ब्रेक ले रहे हैं, तो आने वाले टाइम में सड़क 2 के बाद हो सकता है कि वो अपनी कोई भी शूटिंग 1-2 सालों तक ना कर पाए। लास्ट सेकंड न्यूज में बताने वाली हूँ कि बॉलीवुड में एक और स्टार किड एड ऑन होने वाला है। ये कोई और नहीं बल्कि तैमूर का कोई भाई या बहन होगा। इससे क्लियर होता है कि करीना कपूर एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। जी हाँ, 2018 में जब वो कपिल शर्मा के शो में गई थी किसी मूवी के प्रमोशन के लिए, तो कपिल ने इस बात का जिक्र भी किया था कि भाई आप सेकंड बेबी प्लान कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो करीना ने एक फ्लैट आंसर दिया था कि भी 2 साल बाद सोचेंगे। अपने टाइम के परफेक्शन के अकॉर्डिंग करीना ने 2020 में वो जवाब दे दिया है कपिल को भी और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी। काफी सारे स्टार्स ने भी करीना कपूर को बधाइयां दी हैं, और यार हम भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सेकंड बेबी के लिए। इसके साथ ही बच्चे के नानू ने भी होने वाले बच्चे के नानू ने भी कहा है कि कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके फ्यूचर में। तो अगर हम वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में आज के टाइम के अकॉर्डिंग सोचें तो गाइस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज काफी एडवांस है, आपको पता है, वो भी कम से कम सोचते हैं कि 2 बच्चे जरूरी हैं। आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और लास्ट न्यूज में दोस्तों आप लोगों को बताने वाले हैं कि जैसे आपको पता है कि 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, और 14 अगस्त की रात को आपको एक दमदार वेब सीरीज मिलने वाली है देखने को। लास्ट ईयर आपको मिली थी सेक्रेट गेम का सीजन 2, और इस बार आपको मिलेगा अभे का सीजन 2। यार ये अभे Z5 की OTT प्लेटफॉर्म की बहुत ही फेमस सीरीज है, जिसके अंदर आपको मतलब क्राइम थ्रिलर का जो तड़का आप लोग पसंद करते हैं, जैसा जोनर आप चाहते हैं, वही सब सेम चीज आपको मिलेंगी। मैंने अभे का पूरा सीजन 1 देखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा इसका सीजन 1 तो जाकर देख लेना। बात करें इसकी स्टार कास्ट की, तो इसमें हीरो के तौर पर आपको मिलेंगे कुणाल खेमू, और इस बार विलन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वो कराया चंकी पांडे को। तो यार चंकी पांडे वैसे तो हमारे फनी कैरेक्टर हैं,
लेकिन जब वो विलन के कैरेक्टर में आते हैं तो तब भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, और इसका प्रूफ हमें मिलता है बेगम जान जैसी मूवी से। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस वेब सीरीज को देखने के लिए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस आपको सिनेमा अपडेट्स का एपिसोड कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।